नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा किसी परिचय के मोहताज नहीं है। रतन टाटा का नाम पूरे विश्व में बहुत ही अदब के साथ लिया जाता है। इन्हें लंदन में सर की उपाधि दी गई थी, तब से उनका नाम सर रतन टाटा के नाम से मशहूर हुआ। इनकी चेयरमैनशिप में टाटा ग्रुप का रेवेन्यू 40 गुना बढ़ा और प्रॉफिट 50 गुना। देश की जीडीपी में ये अकेले 4% का योगदान दे रहे हैं और सालाना टैक्स लगभग 50,000 करोड़ देते हैं। उनकी निगरानी में ग्रुप ने लैंड रोवर, जैगुआर, रेंज रोवर अक्वायर की। लखटकिया कार टाटा नैनो का गिफ्ट देने वाले भी रतन टाटा ही थे, जिसके बाद देश के मध्यम वर्गीय परिवारों का भी कार लेने का सपना साकार हो पाया। चाहे वक्त मुंबई टेरर अटैक का हो या फिर कोरोना का, रतन टाटा ने हमेशा ये साबित किया है कि उनके लिए बिजनेस से पहले नेशन है, देश है। आज हम बात रतन टाटा के निजी जिंदगी की करेंगे। आपको बताएंगे कि इतने कामयाब इंसान ने आज तक शादी क्यों नहीं की। लोगों की जिंदगियों को आसान बनाने वाले रतन टाटा ने अपनी जिंदगी में अकेले रहने का फैसला आखिर क्यों किया। रतन टाटा ने पूरी जिंदगी किसी से शादी नहीं की, लेकिन ऐसा नहीं है कि रतन टाटा को कभी किसी से प्यार नहीं हुआ। उन्होंने खुद अपनी लव लाइफ का जिक्र एक दफे किसी निजी चैनल के इंटरव्यू में किया था। उनकी जिंदगी में भी प्यार ने दस्तक दी थी, लेकिन मुश्किल दौर के आगे उनके रिश्ते की डोर कमजोर पड़ गई। इसके बाद फिर कभी रतन टाटा ने शादी के बारे में सोचा ही नहीं। दिग्गज बिजनेसमैन रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को सूरत में हुआ था। टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन ने अपनी एक अलग पहचान बनाई और बेहतर मुकाम भी हासिल किया। उन्होंने टाटा ग्रुप को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का काम किया। बिजनेस की दुनिया में तो रतन टाटा ने खूब नाम कमाया, लेकिन प्यार के मामले में वे असफल ही साबित हुए। एक टीवी चैनल से इंटरव्यू में रतन टाटा ने अपनी लव लाइफ के बारे में भी खुलासा किया था। उन्होंने कहा था कि उन्हें भी प्यार हुआ था, लेकिन वह अपनी मोहब्बत को शादी के अंजाम तक नहीं पहुंचा सके। रतन टाटा ने ये भी कहा कि दूर की सोचते हुए उन्हें लगता है कि अविवाहित रहना उनके लिए ठीक साबित हुआ, क्योंकि अगर उन्होंने शादी कर ली होती तो स्थिति काफी जटिल होती। जब रतन 10 साल के थे और उनके छोटे भाई जिमी 7 साल के, तभी उनके माता पिता 1940 के दशक में एक दूसरे से अलग हो गए। तब उनकी दादी नवजबाई टाटा द्वारा उनका पालन पोषण किया गया। रतन की प्रारंभिक शिक्षा मुंबई के कैंपियन स्कूल से हुई और माध्यमिक शिक्षा कैथेड्रल एंड जॉन कैनन स्कूल से। इसके बाद उन्होंने अपना बीएस वास्तुकला में स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के साथ कॉर्नल विश्वविद्यालय से 1962 में पूरा किया। फिर उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से सन 1975 में एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम पूरा किया। पढ़ाई पूरी करने के बाद भारत लौटने से पहले रतन टाटा ने लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया में जोन्स और एमोंस में कुछ समय कार्य किया और वहीं पर उन्हें पहली और आखिरी दफे प्यार हुआ। वो अपनी प्रेमिका से शादी करना चाहते थे, लेकिन उन्हीं दिनों के दौरान उनकी दादी नवजबाई टाटा का उन्हें फोन आया और उन्होंने रतन टाटा को भारत बुलाया। उन दिनों नवजबाई टाटा की तबीयत बहुत खराब थी और वो अपने पोते से एक आखिरी बार मिलना चाहती थी। तब रतन टाटा ने अपनी प्रेमिका को साथ भारत चलने को कहा और वहीं शादी कर साथ रहने की बात भी कही। प्रेमिका तैयार थी, लेकिन उसके माता पिता तैयार नहीं हुए। उन दिनों इंडो चाइना वॉर चल रहा था। वक्त 1962 के दौर का था। रतन भारत चले आए और अपनी प्रेमिका का इंतजार करते रहे। समय बीत रहा था, लेकिन उसकी कोई खबर नहीं आई। और जब खबर मिली तो रतन टाटा को बड़ा धक्का लगा। उनकी प्रेमिका की शादी किसी और से करवा दी गई थी, लेकिन रतन टाटा ने तो उसी के साथ जीने मरने की कसमें खाई थी। उन्हीं वादों के कारण वो कभी शादी नहीं कर पाए, या यूं कहें कि उन्होंने कभी किसी और से शादी करने की सोची ही नहीं।
कई इंटरव्यूज में रतन टाटा ने कहा भी है कि उनके वचन उनके लिए सर्वोपरि है और वो ऐसे वादे कभी नहीं करते जिन्हें वो पूरा ना कर सके। अपनी प्रेमिका के साथ किए वादों को रतन टाटा अपनी पूरी जिंदगी निभाते रहे हैं। यही कारण है कि सब कुछ पास होने के बावजूद भी उन्होंने जिंदगी अकेले बिताने का फैसला लिया और कभी भी किसी से शादी ही नहीं की। लाइफ सिटीज के लिए गरिमा भारती की रिपोर्ट। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फेसबुक पेज पर भी हमें जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।